the choke points, there are a few very important ones. To start with, have you ever heard about this point, the Strait of Malacca? Yes. The Strait of Malacca. Sunaoga? It is between which countries? It is between Malaysia and Indonesia. Okay, it is between Malaysia and Indonesia. देखो सिंगापुर टिप पे है. सिंगापुर इज ऑन द टिप. लेकिन इसके बाद जो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में है. ठीक है, ध्यान रखना. स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया. नियरली 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, कितना? 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पासेस थ्रू दिस चोक पॉइंट. अगर ये चोक पॉइंट किसी ने कंट्रोल कर लिया, ऑब्वियसली दे कंट्रोल द सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए इसको चोक पॉइंट बोलते हैं. पीपल आर फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव टू इट. एक ऑल्टरनेटिव उन्होंने बोला है कि लेट्स डू दिस थिंग. ये दीज आर इंडोनेशियन आइलैंड्स. ठीक है, ये वाला एक इंडोनेशियन आइलैंड है, ये भी है, ये भी है. जो सबसे बड़ा वाला है ना, उसका नाम है सुमात्रा. क्या नाम है? सुमात्रा. सुमात्रा के जस्ट बाद है जावा. कौन सा है? जावा. इंडोनेशिया का जो कैपिटल है, क्या है कैपिटल? जकार्ता. कहाँ है वो? कौन से आइलैंड पे? इट्स ऑन जावा. इट इज कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट सिंकिंग मेगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड. इट इज द फास्टेस्ट सिंकिंग. डूब रहा है ये, बहुत जल्दी डूब रहा है. फास्टेस्ट सिंकिंग मेगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए द इंडोनेशियन गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू शिफ्ट देयर कैपिटल टू द बोर्नियो आइलैंड. बोर्नियो आइलैंड टू अ प्लेस कॉल्ड एज कालीमंटान. कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? कालीमंटान. They are planning to shift the Jakarta, their capital city, to the Borneo Islands, to the interior, called as Kalimantan. ठीक है? Jakarta is sinking. इतना pressure हो गया कि Jakarta is sinking. तो as I was saying, people are finding alternatives to this route. एक alternative people have suggested is Sumatra and Java Islands के बीच में there is a strait called as Sunda Strait. कौन सा strait? Sunda Strait. This is one alternative. Alternative one to the Malacca Strait, Sunda Strait. ध्यान रखना. एक बार थोड़ा सा बताता हूँ, रिकॉल करता हूँ. डू यू नो वॉट इज अ स्ट्रेट? स्ट्रेट का मतलब पता है आप लोगों को? When two bigger water bodies are connected by a small water body, it is called as what? A strait. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला स्ट्रेट ऑफ मलक्का. दिस इज एक्चुअली कनेक्टिंग वॉट? द अंडमान सी. ये सुन लो, विद द साउथ चाइना सी. विद द साउथ चाइना सी. इसीलिए क्या हो गया? दिस बिकम्स अ स्ट्रेट. अंडरस्टूड? सिमिलरली सुमात्रा स्ट्रेट में, ये सुंडा स्ट्रेट जो है, इट इज कनेक्टिंग यहाँ पे जो सी है विद द पैसिफिक ओशन, सॉरी इंडियन ओशन, विद द इंडियन ओशन. अंडरस्टूड? तो सुंडा स्ट्रेट इज वन ऑल्टरनेटिव. एंड दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद अनदर ऑल्टरनेटिव प्लान विच इज एक्चुअली पासिंग थ्रू थाईलैंड एंड इट इज कॉल्ड एज इस्थुमस ऑफ क्राब. इस्थुमस ऑफ क्राब. ठीक है, इस्थुमस ऑफ क्रा, विच इज इन वेयर? थाईलैंड. इस्थुमस ऑफ क्रा का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ लैंड. ये क्या है? इट इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सेपरेटिंग टू बिगर लैंड मासेस. टू अर बिगर लैंड मासेस. ठीक है, इस्थुमस ऑफ क्रा. इस्थुमस ऑफ क्रा याद रहेगा. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट अगर मैं बोलूं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, सुंडा स्ट्रेट हो गया, और इस्थुमस ऑफ क्रा हो गया. कम टू द पर्शियन गल्फ. ये कौन सा हमारा? पर्शियन गल्फ. ठीक है, पर्शियन गल्फ इज कनेक्टेड विद द अरेबियन सी थ्रू अ स्ट्रेट. इस स्ट्रेट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. Very important. Why? Because most of the oil and gas of the world comes from this Persian Gulf. Okay? Most of the oil and gas supply कहाँ से आ रहा है? Hormuz Strait से आ रहा है. इसीलिए जब भी ईरान के साथ भी पंगा पड़ता है, ईरान threatens to block the Hormuz Strait. ईरान threatens to block the Hormuz Strait. ये आपको help करेगा newspaper पढ़ने में. ठीक है? These are locations which are regularly quoted in the newspaper. The Hormuz Strait. Okay. Next important choke point is this strait, also called as the Strait of Bab el-Mandeb. The Strait of Bab el-Mandeb.
which connects the Red Sea with the Arabian Sea. Which connects the Red Sea with the Arabian Sea. जैसे पर्शियन स्टेट ऑफ हॉर्मूज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही द स्टेट ऑफ बाबल मंडी भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से भी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड गैस सप्लाई जाता है. मोर ओवर इफ यू हैव हर्ड देर इज अ स्मॉल कैनाल यहाँ पे, फेमस कैनाल कॉल्ड एज द स्वेज कैनाल. सुना है नाम इसका, स्वेज कैनाल का सबने? द स्वेज कैनाल. कहाँ पे है ये? रेड सी के जस्ट ऊपर. यू विल फाइंड देर इज अ स्मॉल स्ट्रेट विच कनेक्ट्स रेड सी विद द Mediterranean Sea, also called as the Suez Canal. The Suez Canal, ठीक है? ये क्यों important है? Because all the trade that goes to Europe from China, वो क्या करता है? ये वाला route ही लेता है. It crosses the Strait of Babelmande, Suez Canal से cross करते हुए Italy का port, Greece का port, या फिर यहाँ पे कोई भी port पे, okay, फिर वहाँ से land से निकल लेता है. ठीक है? अगर ये वाला canal नहीं होता, तो क्या होता था पहले? The ships had to travel across the African continent. पूरा travel करके फिर घुसना पड़ता था. समझ गए? तो पहले जब British आए थे India में to colonize India, they used to use the bigger path. But when they found out कि यहाँ पे there is a shorter route, then they started using the Suez Canal. ठीक है? Suez Canal. ये एक और choke point है, the Suez Canal. Alright. Next important choke point is the Strait of Gibraltar. The Strait of Gibraltar, which connects the Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean. The Strait of Gibraltar, which connects the Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean. समझ में आया? It's a very narrow stretch of water. Next important choke point is, there is a canal यहाँ पे called as the Panama Canal. सुना है नाम? The Panama Canal connecting the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. It was a relief to people living in the western as well as the eastern side of coast of Americas. क्यों? पहले क्या होता था? West से east अगर by water भेजना है, तो they had to travel all across the South American continent and then transfer. लेकिन because of the Panama Canal, अब क्या हो गया? This route has been shortened. समझ में आया? This route has been shortened. The Panama Canal is very important. Panama Canal के बाद next important choke point is the Bering Strait. The Bering Strait, which is actually between, it connects the Arctic Ocean with the Pacific Ocean, and it is between USA and Russia. किस किस के बीच में है? USA and Russia. The Bering Strait. USA एंड रशिया. ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट इज द डेविस स्ट्रेट विच एक्चुअली कनेक्ट्स दिस हडसन बे. यहाँ पे कौन सा बे है? हडसन बे है. ये भी बहुत फेमस है, हडसन बे इन कैनेडा. कहाँ पे है ये? कैनेडा में. ठीक है, इट कनेक्ट्स द हडसन बे विद द अटलांटिक ओशन. कौन सा स्ट्रेट है? डेविस स्ट्रेट, DAVIS, डेविस स्ट्रेट. और ये हडसन बे है, दिस इज हडसन बे, HUDSON, हडसन बे. कहाँ है हडसन बे? कनाडा. इससे हाँ, ये हडसन बे को कनेक्ट करता है विद द अटलांटिक ओशन. ठीक है, डेविस स्ट्रेट कनेक्ट द हडसन बे विद द अटलांटिक ओशन. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट choke point is, can you see, this is the UK. ये क्या है? UK. ठीक है, यहाँ पे there is a strait called as the Strait of Dover. The Strait of Dover, which is actually between UK and France. किस किस के बीच में है? UK and France. Actually में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा drawing गलत हुआ है, France ही है. ठीक है, this bulge is France, तो UK थोड़ा ऊपर आएगा, UK will come यहाँ पे. And ये वाला जो point है, this is your Dover Strait. ठीक है, it is between UK and France. नीचे वाला is Spain and Portugal. ऊपर वाला क्या है? France. यहाँ पे the Strait of Dover. Be very careful, Dover Strait के ऊपर question आ चुके हैं. Dover Strait. Okay. Then Dover Strait के बाद this channel which connects the Baltic Sea with the Atlantic Ocean. इसको क्या बोलते हैं?
कौन सा चैनल ये बहुत फेमस चैनल है? इंग्लिश चैनल. सुना है कभी इंग्लिश चैनल के बारे में? इंग्लिश चैनल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, ब्लैक सी पता है आप लोगों को? ब्लैक सी पता है सब लोगों को? देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ. लेट मी एनलार्ज ब्लैक सी. यहाँ पे इफ यू सी ब्लैक सी में ऊपर यू हैव रशिया. ऊपर क्या है? रशिया. ठीक है, एंड रशिया को अगर एक्सेस चाहिए टू व्हाट? टू अगर द मेडिटेरेनियन सी एंड इनडायरेक्टली टू द अटलांटिक ओशन, तो उसको क्या करना पड़ता है? दो तीन स्ट्रेट से पास होना पड़ता है. इफ रशिया वांट्स एक्सेस टू द ब्लैक सी, देन यहाँ से कहाँ जाएगा? ये मेडिटेरेनियन सी. देन मेडिटेरेनियन सी से कहाँ जाएगा? अटलांटिक ओशन. इट हैज टू क्रॉस थ्रू स्ट्रेट्स. ठीक है, थ्रू स्ट्रेट्स. अब वो कौन से स्ट्रेट हैं? सबसे पहले इफ यू सी, सबसे ऊपर यू विल फाइंड द स्ट्रेट ऑफ कर्च. द स्ट्रेट ऑफ कर्च, KERCH, द स्ट्रेट ऑफ कर्च. ठीक है, द स्ट्रेट ऑफ कर्च. नेक्स्ट यू विल सी, जब ब्लैक सी इज अबाउट टू कनेक्ट विद मेडिटेरेनियन सी, उसके बीच में देयर इज अ स्मॉल वाटर बॉडी. देयर इज अ स्मॉल वाटर बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज द सी ऑफ मरमरा. द सी ऑफ मरमरा. ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स. ब्लैक सी जब मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करना चाहता है, उसके बीच में क्या आता है? द सी ऑफ मरमरा. ठीक है, द सी ऑफ मरमरा. नाउ ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस. द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस. ठीक है, ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस. एंड मरमरा सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. डार्डेनेलिस, DARDENELIS, डार्डेनेलिस. ठीक है, एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ? यहाँ पे देखो, एक देर इज अ सी कॉल्ड एज द सी ऑफ अजोव. सी ऑफ अजोव, आज जाके देखना अपने एटलस पे. ठीक है, द सी ऑफ अजोव. सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ कर्च. ठीक है, फिर ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में कौन सा है? द स्टेट ऑफ बॉस्फोरस. ठीक है, मरमरा सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में कौन सा है? द स्टेट ऑफ डार्डेनेलिस. द स्टेट ऑफ डार्डेनेलिस. ठीक है, याद रहेगा सबको? ऑलराइट, दीज थ्री व्हाट यू से स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ऑलराइट, ओके. देन देखो, चाइना एंड ताइवान. ताइवान पता है? ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है, लेकिन चाइना बोलता है इट इज पार्ट ऑफ देयर मेनलैंड. यस और नो? तो चाइना और ताइवान के बीच में, सिंस यहाँ पे टेंशन एरिया है, दिस इज अ टेंशन एरिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है इसमें, यू शुड नो कि ताइवान और चाइना के बीच में देयर इज अ स्ट्रेट कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूसा. कौन सा स्ट्रेट है? द स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूसा और द ताइवान स्ट्रेट. और कौन सा स्ट्रेट? द ताइवान स्ट्रेट. द स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूसा और द ताइवान स्ट्रेट. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? ओके, देन देखो, कैन यू सी, दिस इज कौन सा कॉन्टिनेंट एंड कंट्री? ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, बैटमैन जैसा दिखता है. ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यू विल फाइंड देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड एज पपुआ निगिनी. कौन सा आइलैंड है? पपुआ निगिनी. ओके, इन दोनों के बीच में देयर इज अ स्ट्रेट. इन दोनों के बीच में देयर इज अ स्ट्रेट कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ टॉरस. द स्ट्रेट ऑफ टॉरस, द स्ट्रेट बिटवीन द गल्फ ऑफ पपुआ एंड ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? द स्ट्रेट ऑफ टॉरस.
ऑस्ट्रेलिया के नीचे देर इज अ स्मॉल आइलैंड कॉल्ड एज द टस्मेनियन आइलैंड. कौन सा आइलैंड है? टस्मेनियन आइलैंड, टस्मानिया बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया के बीच में जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं द बास स्ट्रेट. कौन सा स्ट्रेट है? द बास स्ट्रेट, BASS, बास स्ट्रेट. ठीक, टॉरस हो गया, बास हो गया. ओके, न्यूजीलैंड में देर आर टू आइलैंड, टू इंपॉर्टेंट आइलैंड. न्यूजीलैंड इज मेड आउट ऑफ टू इंपॉर्टेंट आइलैंड, द नॉर्दर्न आइलैंड एंड द साउथर्न आइलैंड. इन दोनों के बीच में देर इज अ स्ट्रेट कॉल्ड एज द कुक स्ट्रेट. कौन सा स्ट्रेट है? कुक स्ट्रेट है. इन दोनों के बीच में देर इज अ स्ट्रेट कॉल्ड एज द कुक स्ट्रेट. याद रहेगा यहां तक? ओके, ठीक है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स. नाउ लेट मी टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट लेक्स. टाइम हो गया ना? ठीक है, आज इतना ही करते हैं. टुमारो विल कंटिन्यू विद द लेक्स. ठीक है, टुमारो विल कंटिन्यू विद. थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, आप लोग प्लीज इसको डाइजेस्ट करो घर पे जाके. गो एंड डाइजेस्ट इट. कैसे करोगे? एटलस खोलो, सारे पॉइंटर्स जो भी मैंने बोले देखो. ठीक है, गो एंड स्पॉट इट ऑन द एटलस, तब आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है, ओके.